हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं फिर से अपना ब्लॉग किचन से ही शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो आज का मेरा दिन इस तरह से जाएगा कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ 3 kg पोर्क का मीट, बिना ऑयल का, बिना पानी डाला हुआ। मैं अपना लोकल स्टाइल पे बना रही हूँ। और यहाँ पे है राइस पक चुका है और ये थोड़ा टमाटर रखा है, इसे मैं सलाद बना दूँगी क्योंकि मेरा हस्बैंड और उसके दोस्त लोग कुछ मेरे ही घर के पास से गुजर रहे हैं कुछ ऑफिशियली काम का वजह से। तो मैं चाह रही थी कि वो लोग को थोड़ा सा लंच बना के मैं दे दूँ, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और मैंने ये अपने बागान से तोड़ लिया है थोड़ा सा ग्रीन लीफी। मैं ये सबको बॉईल कर दूँगी, तो इसको ये बॉईल और यहाँ पे मीट मैं बना के दे दूँगी। इसे मैं अभी हिला देती हूँ। ये जो बर्तन है इसे हम लोग मिजो बर्तन कहते हैं क्योंकि ये मिजोरम में बनते हैं और वहाँ के लोग इस पर ही मेरे ख्याल से ज़्यादा खाना या कुछ भी बनाते हैं, सब्जी वब्जी। तो ये बर्तन का जो स्वाद होता है ना, कुछ अलग ही होता है बाकी बर्तन का कंपेयर में। देखिए ये लोग, ये है जो समर के एकदम मजा ले रहे हैं। ये देखो, हाय मामान्यू, हाय, वाह, हैप्पी हैप्पी मामा, हैप्पी। सब काम पे लगा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब गर्मी जितना भी हो, ये जो धूप है ना, ये बहुत प्यारा आता है सबको क्योंकि इसमें काम कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। बारिश का समय तो सब घर के अंदर बैठते हैं, तो जितना दिन भी धूप है हर कोई एकदम काम में लगा रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ पत्ता काटने। पत्ता का सीजन तो नहीं है मगर देखती हूँ मैं, तो सूख गया है पत्ता, अभी निकल रहा होगा थोड़ा सा, मगर देख लेती हूँ। खाना मुझे यहाँ पे रैप करना है। तो ये रहा, ये भी हमारे घर के पीछे है, यहाँ पे पत्ता मैं बांध देती हूँ। ये देखिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है, कैमरामैन मैं ही हूँ ना, फिर थोड़ा वीडियो करने में मुझे तकलीफ हो रहा है, मगर मैं जितना हो सके आप लोगों को दिखाने चाहती हूँ। ये है पत्ता, तो मैं एक, और छोटा तो है कोई बात नहीं, दो, थोड़ा अच्छा पत्ता कहाँ मिलेगा। देखिए किस तरह से मैं काट रही हूँ, 3 पत्ते मैंने काट लिया है। अब यहाँ पे खाना रैप करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए, और वो रहा मेरे मुर्गी, वो रहा। गाइस मैं अभी इसे साफ कर लेती हूँ। तो ये कुकर, चम्मच, अभी साफ कर लेती हूँ। एकदम साफ कर कैमरा, साफ कपड़ा से साफ करना चाहिए। पत्ते के जो सीधा है ना, यहाँ पे नहीं करते हम लोग खाना, हम लोग ये साइड जिसका उल्टा साइड है यहाँ पे रैप करते हैं। तो मैं अभी इसे साफ कर लेती हूँ। तो गाइस मेरा सब पत्ता साफ हो गया है, अभी मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगी। पत्ता छोटा है इसलिए मैं खाना भी थोड़ा छोटा ही पैकिंग करूंगी। आप तकलीफ हो रहा है थोड़ा ना मुझे दिखाने में, इस तरह से इसको मैं पहले इस तरह से कर दूंगी, फिर ये एक बार, और यहाँ से एक बार, फिर ये ऐसा, और हो गया। देख सकते हैं आप लोग, एकदम सिंपल और इजी वे में हो जाता है। पत्ता बहुत छोटा है इसलिए मैं 2 लगा रही हूँ यहाँ, 1।
हो गया देखिए। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मेरा खाना पैकिंग हो चुका है। मैंने 3 पोहा बनाया था, उसमें से 4 ही निकला है। अगर छोटा छोटा पैकिंग करता तो थोड़ा सा और 6 निकल जाता। ना तो हो गया, सब्जी तो बन रहा है, तो फिर मैं डायरेक्ट आप लोग को मिलूँगी जब उसे दूँगी। देख सकते हैं आप सब, मैंने यहाँ पे तीता घुटी, हम लोग का इसको लैंग्वेज में कहते हैं कोपिल, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इसको बॉईल करने के लिए डाल दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है ये पत्ते का कंपेयर में। तो इसे पहले पकाऊंगी, फिर ये पत्ता डालूंगी, और ज़्यादा पत्ता को ओवर कुक नहीं करूँगी, डायरेक्ट निकाल दूँगी। तो यही है, और यहाँ पे है पोर्क बन रहा है, ये होने वाला है। चलिए तब तो जब पैकिंग होगा मैं दिखाऊँगी आप सबको, तब तक मेरे ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो दोस्तों जब तक मेरे सब्जी पक रहे हैं, मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये है स्वामी विवेकानंदन, मेरा बेटे जो यहाँ पे बीके भी हॉस्टल पे बैठे हैं, तो उसको स्कूल की तौर से ये दिया है। और यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये मेरे हस्बैंड और ये मैं हूँ। तो एक्चुअली ये जो ब्लॉग है, सॉरी ये जो चैनल है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड के नाम पे है, मगर मेरे हस्बैंड अभी मतलब उसका जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पे है, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये चैनल को मैं हैंडल करूँगी अभी से। तो बहुत दिनों से तो वीडियो डालना चाहती थी, मगर अप एंड डाउन का वजह से नहीं डाल पाया, तो इसलिए मैं आज ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो फ़ोटो है, ये 2018 या 19 का होगा, जब हम लोग थोड़ा जवान थे। और ये है मेरा फोर्क, अभी ये होने को है। यहाँ पर मैं अभी गार्निशिंग के लिए मैं पत्ता डाल, ये डाल के देखिए, इसे मैं हाथ से ही क्रश कर दूँगी। कहते हैं कि मम्मी पापा कि हाथ से क्रश किया वाला चीज़ें ज़्यादा टेस्टी होता है। तो दोस्तों मैं अभी पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ये पक गया है, मैं इसे हॉटपॉट पे डाल रही हूँ। ये देखिए ये भी बहुत अच्छी तरीका से पक गए हैं। अभी हम लोग देने जा रहे हैं ये थोड़ा सा सब्जी, अभी हम लोग निकल रहे हैं। हाय, ये भी जाएंगे हम लोग के साथ। हमारे ड्राइवर भाई, मतलब मेरे छोटे भाई, हम लोग जा रहे हैं अभी पापा को मिलने। तो गाइस अभी हम लोग अभी जस्ट देखे आए हैं, देखे आ रहे हैं, हम लोग वापस घर जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बेटी, इसने भी देखा अपने पापा को, देखो मामा नू। तो अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। वेलकम टू रोइंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा आइसक्रीम ब्रेक ले लेते हैं। ये है मेरे दीदी के कैफे अना बे, प्लीज़ अगर आप लोग रोइंग आते हैं तो यहाँ विजिट करिएगा, रायांग पे है ये। और चलो अभी जाते हैं अंदर, खाते हैं। हाय हाय मामन्यू, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है? तो हम लोग सब ले लिया अपना अपना फ्लेवर, आप क्या खा रहे हैं बताओ थोड़ा। चॉकलेट इपल इना, मतलब क्या है वो? तो उसका मतलब है कि चॉकलेट वैनिला खा रहे हैं। और आप? चॉकलेट। चॉकलेट आप? चॉकलेट। और मैं भी खा रही हूँ वैनिला। चलो बैठिए बैठिए, आप लोग सब बैठ जाओ, मेरा तरफ से है ना, ये आपका तरफ से है, बताइए आपका तरफ से खा लेते हैं ये। बस 20 रुपीज का ही है, देखिए हमारे सब क्वान्टिटी इतना ज़्यादा। तो
तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग घर पहुंचे हैं और नज़ारा ये देखने को मिल रहा है, ये इसका चेहरा। तो अभी फिर मिलते हैं हम लोग आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में।